कहले गजराज हो तारो महावत कहा जूते पैर में नहीं सुस्तामा जी के और हाथी सजा खड़ा हुआ है महाराज भाई बैठी कहा जुर तो नहीं को जो कहा कुदवा खाने को नहीं थे जमा चना खाने को नहीं था आज कहा जुर तो नहीं को जो प्रभु के प्रताप दे दाखे नमावत आज सुशीला जी को दांत खट्टा लग रहा है महानुभाव एक बात भगवान ने सुनाया कथा पढ़ी आगे देखिए पांडव थे पांच पत्नी एक थी तो अगर पांडव पांच थे चाहे जहां की बात हो राजा एक है पत्नियां हजारों नहीं सुनने को मिला लेकिन नारी एक हो पति पांच हो तो किसी भी क्षण विद्रोह हो सकता है जो नियम बनाए गए थे भगवान के द्वारा जहां रही द्रौपदी एक के पास छोटे भाई उसको मां मानेगी बड़े भाई उसको बेटी मानेगी और जो ऐसा नियम खंडन कर देगा उसको दंड मिलेगा। एक बार क्या हुआ कि अर्जुन के द्वारा ही नियम का खंडन हो गया घटना घटी ऐसी कि जानते ही वो अर्जुन को अंदर जाना पड़ा दंड के अनुसार जब तीर्थ घूम राजन अर्जुन तीर्थ यात्राया मैत्रेयागमनो प्रभो अर्जुन तीर्थ घूमते घूमते तीर्थों में द्वारका आ गया दाढ़ी बढ़ गई थी बाल बढ़ गए थे अर्जुन साधु हो गया था देखा भगवान ने अर्जुन क्या हो गया है सारी कथा सुनाई अर्जुन ने तो कहा भगवान ने एक काम कर भैया साझे वाला काम खत्म कर दे और शादी कर ले द्वारकाधीश कौन करेगा शादी मैं करूंगा हमारी बहन शादी योग्य है हम दो भाई हैं बड़े भैया बल्लाऊ का विचार यह है कि बहन का विवाह कौरव वंश में हो दूल्हा दुर्योधन और मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन सुभद्रा उस घर में जाए जो अगर अन्यायी है अत्याचारी है पापी है जिसका आगे विनाश रहा है और बड़े भैया हैं कहूं क्या एक काम कर कि हम मना करके तू बग्या में ठहर जा तुझे बुलाएंगे हम संत वेश में आमंत्रण मेरा हम करेंगे लोटा करेंगे आना बस मेरा होगा बहन को देना ये महाराज ऐसा करूंगा अगर मैं तो दाव भैया बहुत मारेंगे देखा अर्जुन काम तू कर शेष काम का सब संभाल लूंगा उस पर भगवान
घर गए और कहा बहन से, बहन मथुरा एक काम कर, अब तू बता कि तेरी दो बहनें मेरे हिसाब से अर्जुन और भैया के हिसाब से दुर्योधन, तू बता कि तू कहां जाना चाहते हैं। तो जहां सुना सुभद्रा ने अर्जुन का नाम, मुस्कुराई और आंखों के द्वारा निर्णय दे दिया, हे द्वारकाधीश उस पापी के पास मुझे मत भेजो, मैं नहीं जा रही। आई डोंट मुस्कुराई पसंद नहीं करती। अच्छा एक काम कर, कल अंतिम दिन है तेरे लिए, मेरी बात को सुनना, दान को कर। अर्जुन यहां आएगा, संत वेश में है, न्योता कर दिया है, हम घर में कोई रहेंगे नहीं, घर घर पूरा खाली से कर देंगे हम। बस मेरा खड़ा है दरवाजे पर, लेना निकल जा रहा। भाई साहब फिर क्या होगा? बोले फिर जो होगा हमें अक्सर समान होगा। गए अर्जुन को लाए, थाली लगाई, पैर धोए संत के, हटाया, अर्जुन से कहा कि अर्जुन ये अंतिम समय है, चले डाल गए कनिया, एक काम करना पंडित जी बड़े प्रेम से भोजन हाथ पवाना, ठीक भैया। डाल भी गए, कन्हैया भी गए, अब जहां आई थाली लेकर के सुभद्रा, चार आंखें हुई, बातचीत हुई, थाली को छोड़ा, दरवाजे में आए और बस बुलिया और जहां देखा द्वारपालों ने हल्ला मच गया कि महाराज बटिया को ले गया, बहन को ले गया, ले गया ले गया ले गया, कौन ले गया? कहा नारायण जो आए थे महात्मा जी वो ले गए। महात्मा ने काम किया है सब, दाऊ ने कहा, संत ने काम किया है। कहा प्रभु वो बेस से महात्मा जी थे ही, पर ऐसा लगा मुझे कि वो आसाराम महाराज जी थे, ले गए। दाऊ ने आया गुस्सा में, कहा मैं जा रहा हूं, इसको अभी मालूम आ गया कन्हैया है, दाऊ क्या हो गया? अरे कन्हैया साधु भाई साहब वो महात्मा नहीं थी, कौन थे महाराज? चाहे जो कोई होगा बिटिया को अपनी बहन को ले गया, महाराज ये होगा महात्मा जी हमारे घर में हाथ लगा रहा है। दाऊ आप ना जाओ, मैं स्वयं जा रहा हूं, उसको मां को जाकर मार डालूंगा, नहीं नहीं मैं भी चलूंगा। दोनों गए, जहां नगर के बाहर आए तो देखा कि महात्मा के पीछे बैठे हैं उसने, और स्वयं बहन सुभद्रा रथ को चलाती है और ठगी आ रही है। तो भगवान ने कहा कि दाऊ आपने कुछ देखा आपने? हे महाराज इसका दोषी संत नहीं, संत पीछे बैठे हैं, क्या करेगी हमारी बहन स्वयं भगी जा रही है। तो फिर कहा दाऊ ने कन्हैया मुझे ऐसा लगता है कि हम सब कुछ तेरा किया जाता है, बता सत्य क्या है। तो भगवान ने कहा भैया एक बात कहूं, ये साधु नहीं है, ये महात्मा नहीं है, कुंती पुत्र अर्जुन है जो वर्तमान धरती का नंबर एक का वीर है। आपका विचार था कि हमारी बहन कौरवंश में जाए, जिसका नाश आने पक्का होने ही होना है, तो अपने यहां से जानते हुए अपनी बहन को विधवा कर देगी। हे महाराज मैं नहीं चाह रहा था कि हमारी बहन
ऐसे मनुष्य में जाए जो अत्याचारी है, अन्यायी है, अधर्मी है, क्या अर्जुन ठीक नहीं है? कन्हैया यही बात मुझसे पहले कह देता अगर तो हमारी बहन भगी जा रही है, जो भी भिखारी की बहन जा रही हो, क्या अच्छा है? तो मुझसे कहता ना, मैं धूमधाम के साथ शादी करता बहन की, एक चाकर लौटा ले। अब कहा अर्जुन ने, देखा पीछे पीछे बैठे थे तो भगवान का अर्जुन अब गाली डाल दे बैठे हुए महाराज बहुत मारे जाएंगे, नहीं काम हो गया लौटा। सचेत पाया बस को लौटाया, फिर दाऊ ने ही अपने हाथ बड़ी धूमधाम के साथ शादी की आर्थिक थी बहन को विदा कर दिया।